السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الكرام، आज आपके सामने आया हूँ बमौके उर्से शरीफ हुजूर सैयदी सैयदना ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैनी महबूबुल्लाह कुद्दस रूहु के मौके पर सरकार की हुजूर में नजराने अकीदत पेश करने और वलियों का मकाम और मकाम विलायत के बारे में आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाएं। और जो लोग अल्लाह के वलियों की शान और शान ख्वाजा मौला सरकार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर भी अल्लाह अपनी रहमत का नुज़ूल करे और मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए। जिस आयत करीमा का मैंने शर्फ हासिल किया है उसमें रब तबारक व ताला फरमा रहा है अला इन्ना औलिया। जब लफ्ज अला कहीं कुरान करीम में फरमाता है तो कुरान का मिजाज है, अल्लाह के कलाम का एक मिजाज है, उसका एक माना एक तरफा ये आगाही करना है कि बेशक इस ऐलान को, इस इंतबा को हल्के में ना लो। बात यह है कि बेशक अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और जो ईमान लाए और तकवा परहेजगारी अख्तियार करे। यानी वली वही होता है जो ईमान के ईमान कामिल के साथ परहेजगारी नेकी करे। लहुमुल बुशरा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बशारत है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में, और यही सबसे बड़ी कामयाबी। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह, अल्लाह की कलिमात बदले नहीं करते, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रब तबारक व तआला खुशखबरी दे रहा है। हजरात इकराम, वली की असल बमाना वला से है। वला के माना होते हैं कुर्ब नुसरत और एक तरह की हुक्मरानी। और यह कुर्ब नुसरत अल्लाह के बंदे फराइज की तकमीली से, फराइज की पाबंदी से हासिल करते हैं। फर्ज तो फर्ज, सुन्नत भी उनसे छोड़ी नहीं जाती। सुन्नत तो क्या, नफल नमाज भी छोड़ी नहीं जाती, फराइज की पाबंदी। जैसा कि बुखारी शरीफ के दलायल भी इस दलील देती है
कि नवाफिल के जरिए, कसरत नवाफिल के जरिए बंदा अल्लाह तबारक ताला से वो कुर्ब हासिल करता है, और वली वो है जो इस कोशिश में लगा होता है दिल की आंखों की जलाल से जब देखे तो अल्लाह ही के जलवे देखे, और जो सुने तो अल्लाह ही की आयतें सुने, और जब बोले तो रब की सनाही के साथ बोले, और जब हरकत करे तो इताते इलाहिया में ही हरकत करे, और जब कोशिश करे तो इस अमल की कोशिश के जरिए कुर्ब इलाही हासिल कर ले, अल्लाह के जिक्र से ना तके, चश्मे दिल से देखे तो सिर्फ अल्लाह को देखे, और जब हरकत करे तो अल्लाह के अमर के लिए हरकत करे। उस पर गर्ज ये है कि उसका जीना मरना, चलना फिरना, सांस लेना, गुफ्तगु करना, मामलात करना, हर चीज में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह के जिक्र के साथ हो, गोया वो हर काम अल्लाह की रजा के लिए ही करे, तो अल्लाह उसका इस हालत में जब बंदा पहुंच जाता है तो अल्लाह उसका नासिर मुईन मददगार बन जाता है। ज़बान बंदे की होती है मगर कलिमात अल्लाह के होते हैं, उसकी ज़बान में रब तबारक ताला वो असर रख देता है कि वो जिस अमर के लिए हाथ उठाता है, जिस काम के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उस काम को पूरा कर देता है। वो जिस किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर देता है। जिस राह पर वो कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला उस राह में कामयाबी बिछा देता है। अरे ऐसे ही उसके बाद रब तबारक ताला आगे कुरान में फरमाता है। अब देखो विलायत के माना और डीप में अगर आप जाएं तो सूरे अंफाल की आयत है। अब यहाँ पर वलियों को दो तरीके से वलियों का बयान रब तबारक ताला फरमाता है। रब कहता है इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार लोग हैं लेकिन अक्सरियत इस हकीकत को नहीं जानती। ऐसे मुत्तकी अफराद जो फराइज कुर्ब सुन्नत और नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, इनको अल्लाह चुन लेता है अपनी दोस्ती के लिए। तो मालूम हुआ कि ये जो औलिया का तबका है ये सिर्फ नेकोकार नेक लोगों का है। इतायत इलाही खशियत इलाही से हासिल होता है। ये किसी आज के दौर में हम देखते हैं कि दो तरीके के एक्सट्रीम हैं। एक है जो उठे बैठे शिर्क की तोहमत बांध रहा है, मुसलमानों पर कुफर की तोहमत बांध रहा है, एक तरफ उसका अपोजिट दूसरा जाहिल तबका है जो समझते हैं कि फुलां के पीछे जाने वो फर्ज नमाज तक अदाई नहीं करता। अरे जो खौफ खुदा नहीं, जिसका अमल शरीयत के तहत नहीं। इब्ने अब्बास से रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम सही की है, जिसके अमल से मुत्तकी हो, जिसको दुनिया नेकी करते देखे उसका शुमार वलियों में हो सकता है। मतलब आपके फुलां बाबा, फुलां ये, फुलां वो, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत तो दूर की बात है, वो तो मस्जिद पंजगाना नमाज के लिए भी नहीं देखता। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, गुलबर्गा के करीब एक गांव है, एक बहुत सी बड़ी खानकाह जैसी बना लिया है और कहता है कि दिल की नमाज, उस सिलसिले में नमाज ही नहीं, जो नमाज ही नहीं तो वो मुसलमान ही नहीं तो वली कहाँ का, वो सूफी कहाँ के, वो सिलसिला कहाँ का। और एक निकला है पाकिस्तान से फिरका निकला है, और क्या बोलते हैं उसकी जड़ें हैदराबाद तक पहुंच गई, गौहर शाही अल गौहर, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, खुलेआम वो कह रहा है कि नमाज की पाबंदी, कई की नमाज, दिल की नमाज, सिर्फ जिक्र से सारी इबादतें हो जाती हैं, हमको नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और झूठे मिसालें दे रहा ऐसे रियाकार फासिक और फाजिर, बल्कि आप कहिए जो नमाज को जानबूझकर तर्क करे वो तो मुसलमान ही नहीं, तो उनका अहले तसव्वुफ़ अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो गर्ज़ ये
और फिर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई एडवोकेट है और कोई इंजीनियर है, वो तो विलायत को जैसे बता रहा है कि कोई आम सी चीज है, कोई आम सी चीज नहीं। हर नेकोकार वली हो जाता, ऐसे हरगिज नहीं। वली वही वली हर नेकोकार वली नहीं होता। जिस तरह सहाबा अंबिया एक तबका था, सहाबा कराम एक तबका है, अहले बैत तबका था, अहले बैत अतार एक तबका है, तावई एक तबका था, इसी तरीके से अवलियों की जमात है, अवलिया अल्लाह एक तबका है। हर नेकोकार वली नहीं सकता। यही बात कुरान करीम में फरमाई गई, इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून। हमारे अवलिया मुत्तकीन हैं, इसके मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तकीन नेक लोग हैं और अक्सरियत इस हकीकत को नहीं जानती है। यहाँ पर बंदे की अल्लाह से दोस्ती हो रही है, अल्लाह यहाँ पर बंदे की अल्लाह से दोस्ती हो रही है। आगे देखते हैं दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज जुलुमाती इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, वो उनको तारीकियों में से निकाल कर रोशनी में लाता है। आप देख रहे हैं एक तरफ बंदा अल्लाह से दोस्ती कर रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है, ये सूरह बकर की आयत में अल्लाह कह रहा है अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। यहाँ पर एक लतीफ नुक्ता है, पहले दोस्ती अल्लाह लगा रहा है, पहले दोस्ती अल्लाह बंदे से कर रहा है, दूसरी तरफ बंदा अल्लाह से कर रहा है, बंदा अल्लाह से कर रहा है। इस हाल में जब पहुंचते हैं तो रब आगे फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ुआन, अल्लाह उससे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। इससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहा नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। ऐ वो नफ्स तुम मुतमईन हो जा, इरजिई ऐसे अल्लाह की रजा में राजी हो जा और मुतमईन हो जा और इस तरीके से जन्नत में चले जा और इस तरीके से जन्नत में जरा। अरे जब बंदा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है, अल्लाह की हर अल्लाह के आगे अपने आप को बेच देता है, अल्लाह की अपनी रजी के आगे चल जाता है, जब उसकी जबान जिक्र करे तो सिर्फ अल्लाह ही की सनाही के साथ करे, जब सुने तो अल्लाह ही की आयतें सुने, इस हाल में वो जिस अमर में हो वो इस हाल में वो जो कहता है अल्लाह पूरा कर देता है। मेरे सरकार ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैन महबूबुल्लाह अपने दौर में वो जो कहते थे वही होता था। बज़ाहिर हुक्काम कोई होते हैं, हुकूमत अल्लाह ताला विलायत में। आप देखेंगे वली का एक माना ये भी है कि आप किसी की नियाबत कर रहे हैं। अगर बच्चा कोई छोटा है, आप मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, बच्चा अगर छोटा है तो आप कहते हैं फलां बच्चा भी बालिग नहीं है, फलां उसका चचा या मामू उस बच्चे का वाली है। यानी उस बच्चा अब जो चचा या मामू या बड़ा भाई उस बच्चे की तरफ से साइन करेगा, कोई डील करेगा, वो काम तो करेगा उसका चचा भाई मामू, मगर उसके वो बच्चे के नाम से होगा। तसर्रुफ चचा या मामू करेगा। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि वैसे तो बंदे वैसे तो हर कोई अल्लाह ताला का बनता है। रब तबारक व तआला फरमाता है, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिय रहमान अब्दा। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही के बंदे। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, ये नहीं कि अल्लाह कादिर नहीं, मगर जब ने जिसको अथॉरिटी दे दी है तो उस पर सवाल करने वाला नहीं। विलायत रब तबारक व तआला की अता करदा हुक्मरानी है। ऐसे ही देखो मेरे सरकार, बज़ाहिर दक्कन में किसी की भी हुकूमत थी, मेरे सरकार ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैनी महबूबुल्लाह सरकार मस्जिद के सहन में टहल रहे हैं, आपके पीर भाइयों में से आकर बोले, सरकार हुजूर आला हजरत महबूब अली खान का दौर था, हुजूर आला हजरत और ने फैसला किया है कि वली है तो अपने छोटे साहबजादे को बनाएंगे। ख्वाजा सरकार जलाल में आ गए, क्या बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, उस्मान अली खान बहुत ही काबिल और बाएतमाद लड़का है, वली है सिर्फ मीर उस्मान अली खान बनेंगे। नहीं सरकार, ये का फैसला तय हो चुका है। तो मेरे ख्वाजा सरकार फरमाते, अगर ऐसा है तो बच्चा मर जाएगा।
ठीक वैसे ही हुआ। दूसरे दिन वो जो छोटा बच्चा वलीहद होने वाला था वो मर गया। अमर देखो, सात निजाम के बादशाह गुजरे, हुकूमत 1948 में गई, वो जाना था आज गई, मगर सारे मुर्रकीन लिखते हैं जितना मुसलमान या रियासत दक्कन की तरक्की मीर उस्मान अली खान के दौर में हुई, किसी बादशाह ने वो काम नहीं किया। आज तक भी दक्कन, हैदराबाद और दक्कन मीर उस्मान अली खान के कामों से मुस्तफीद हो रहे हैं। बज़ाहिर देखो हुकूमत किसी की है, मगर हुकूमत चलाने वाले कोई और होते हैं। अल्लाह ताला अपने वलियों को एक एक मकाम और एक एक विलायत अता कर देता है, वो उनके फैज से माला माल होता है। और हुकूमत के मामले में जब आप देखते हैं कि बंदा अल्लाह के सामने, अल्लाह के आगे अपने आप को सुपुर्द कर देता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल देता है, मर्जी के मुताबिक चलता है, तो आगे कुरान बुखारी शरीफ में हदीस है, मन आदा वली फकत आदन तहरबी, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मैं उसके साथ जंग का ऐलान कर देता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस कुदसी है। फिर आका फजल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नवाफिल के जरिए, इबादत के जरिए बंदा इस हाल में पहुंच जाता है कि वो जब जिस जबान से बोलता है तो वह जबान उसकी होती है मगर कलिमात अल्लाह के होते हैं। वो जिस हाथ से इस्तेमाल करता है वो हाथ उसका होता है मगर वो हाथ अल्लाह का होता है। जिस अमर के लिए वो चलता है वो पैर उसके होते हैं मगर उसका कसद अल्लाह ही की तरफ से होता है। इस तरीके से वो जो कोई काम करता है वो अल्लाह ही के जरिए होता है। अब आप देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर है, एक शख्स ने सैयदना सिद्दीक अकबर के पास गया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से पूछा, आपके पास खिलाफत के इतने कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके पास निजाम और जब्त देखना है, जिहाद की सरगर्मियों पर देखना है, घर को देखना है, फिर आप फिर ठहरे सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, ये सारे काम आप कैसे अंजाम देते हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं अपनी खिलाफत के सारे काम अंजाम देता हूँ और फिर अपने जाती कामों में भी जब काम देता हूँ, और मगर कब ऐसा मौका आता है कि मेरे जाती काम और खिलाफत के काम आपस में टकराएं तो मैं अपने जाती काम को छोड़ देता हूँ, या इबादत का मौका आ जाए तो मैं अपना जाती काम छोड़ देता हूँ और अल्लाह की इबादत में लग जाता हूँ। नतीजा ये होता है कि मैं अपना जाती काम जिस दर्जे कर सकता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत में लग जाने से, अल्लाह की इबादत में करने से, मेरा जाती काम मेरे अपने करने से 10 गुना ज्यादा अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह, जब बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह उसका हर काम का वाली हो जाता है। बताहर वो वली है, अल्लाह अपने तसरुफ से उसके काम 10 गुना अच्छे कर देता, अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। ऐसे ही एक वाकया देखिए, एक शख्स बयान करता है, एक शख्स काजा हजरत वैसे करनी की बारगाह से मिलने के लिए गया। हजरत काजा वैसे करनी बकरियां चरा रहे थे तो किसी ने पूछा कि मैं वैसे करनी से मिलना है, तो लोगों ने बताया कि जाओ उस जंगल में वैसे करनी बकरियां चरा रहे हैं। वो गया तो देखता है अजीब मंजर। कुदरत तो ये है कि जो जंगली जानवर है भेड़ बकरियां, वो बकरियों को खा जाते हैं भेड़िए। वहां देखकर हैरान और शज्जर रह गया कि काजा वैसे करनी के बकरियां चल रहे हैं और भेड़िया उन बकरियों की हिफाजत कर रहा है और वैसे करनी नमाज पढ़ रहे हैं। वो शख्स जब हजरत काजा वैसे करनी नमाज खत्म करे तो जाकर हजरत वैसे करनी से मुलाकात की और उसने कहा कि हजरत काजा कैसे हो, क्या हाल, दरिया पूछा। उसके बाद बोला, सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब दीजिए, ये मंजर अजीब देख रहा हूं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके बकरियों की हिफाजत एक भेड़िया कर रहा है। हजरत काजा वैसे करनी ने कहा,
कि मैं अपना काम छोड़कर अल्लाह के काम में लग गया, फर्ज नमाज में ताखिर नहीं की, मैंने अल्लाह की इबादत में लग गया, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने मेरा काम अपने सुपुर्द कर दिया। काम तो मेरा था कि मैं अपने भेड़ बकरियों की हिफाजत करूं, चूंकि मैं अल्लाह के काम में लग गया, अल्लाह तबारक ताला मेरा काम अपने जिम्मे ले लिया, और एक भेड़िया जिसकी सिफत बकरियां खाने की है, उसी भेड़िए को बकरियों की हिफाजत के लिए लगा दिया। ये सब अल्लाह की मसलहत के लिए, इसलिए कि मैंने अपने काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आप देखेंगे मेरे सरकार ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैनी महबूबल्लाह की पैदाइश से पहले पेशगोईयां हो चुकी थी, और ये विलायत का मकाम ऐसे ही किसी को हासिल नहीं होता, विलायत ऐसे ही किसी को नहीं मिलती, ये अहले बैत दर अहले बैत अथार के दर की खैरात है। जिस किसी को विलायत मिली है अहले बैत अथार के दर से मिली है। हजरत सैयदी ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैनी महबूबल्लाह की पैदाइश से पहले ही सारे बुजुर्गों ने पेशगोई कर दी थी, इस सदी में एक मुजद्दिद पैदा होंगे। हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा होता है, 1400 साल के बाद अगर इस सदी में कोई पैदा हुए, मेरे सरकार ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैनी महबूबल्लाह अभी सरकार मेरे पैदा भी नहीं हुए थे, सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा खातून जन्नत आपकी वालिदा हमशीरा आपकी वालिदा के ख्वाब में आकर कहती हैं, झोली की डोरी हाथ में देकर देती हैं कि ये हमारा बच्चा है, कि ये हमारा बच्चा है, इसकी कुछ दिन खिदमत करके हमारे पास वापस आ जाना। और ये आपकी वालिदा कौन थी? कुतुबुद्दीन हजरत शुजाउद्दीन हुसैन क़िबला क़द्दस रूहू की पोतरी, आपके बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल्ला शहीद की साहबजादी। और जब ख्वाब से बेदार हुई तो हजरत आपके ज़ौज मुहतरम हजरत पाशा सरकार हजरत पाशा मियां हजरत को आपने ख्वाब के बारे में बोला, तो हजरत पाशा मियां सरकार ने पेशगोई करी, अल्लाह एक बड़ी शान वाला बच्चा देगा, हमको अता करेगा। और जब आप पैदा हुए तो आपके नाना हजरत शुजाउद्दीन क़िबला बच्चे को हाथ में लेते हैं, कहते हैं अम्मा ये बड़ी शान वाला बच्चा पैदा होगा, बड़ी शान वाला बच्चा पैदा होगा। इसी तरीके से मेरे सरकार के बारे में ये भी है कि जो कोई पूरे दक्कन में मशहूर है, जो कोई मेरे सरकार कोई परेशानी में कुछ बिक जाता है वो मेरे सरकार के हवाले कर देते हैं, तो बेचना तो एक कॉमन बात है, हर चीज जो कुछ गुम जाती है मेरे सरकार। एक बदसूबा थे, उनसे एक साहब ने जाकर दरियाफ्त किया कि ख्वाजा सरकार के बारे में क्या ख्याल है, तो पेशानी पर कुछ मली और उसके बाद कहने लगी कि उनकी हुकूमत तो सिर्फ जिन्नों इंस पे नहीं, फरिश्तों पर भी उनकी हुकूमत चलती है। मक्का मस्जिद के एक बहुत बड़े वायस थे, और ये सारी करामतें तो अगर बोलने बैठूं तो रात कम पड़ जाएंगे। हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी और जो आपके बरादरान आपके खुलफा ने जो करामतें बयान की ये तो गर्क आदत थी। मेरे हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी फरमाते अगर मैं सारे करामतें बयान करने लगूं तो इंसानी अकल हैरान यकीन भी नहीं आगा, रोज मर्रा इतनी करामतें हुआ करती थी। हजरत अहमद खैरुद्दीन सिद्दीकी जो मिर्जा बेग साहब के मुरीद थे, अहमद खैरुद्दीन सिद्दीकी मक्का मस्जिद में वास किया करते थे, और हजरत क्योंकि रूहानी सिर्फ इल्मी वो नहीं था बल्कि रूहानी कुव्वत भी थी और रूहानियत भी थी। एक दफा का मौका है, ख्वाजा सरकार भी वहां पर कभी उनका वाज सुनने चले जाते थे, एक दफा का मौका है कि आप वाज कर रहे हैं और मजलिस में ऐसी कैफियत है कि लोग ज़ारो क़तार चीख मार मार के रो रहे हैं, तो आप अहमद खैरुद्दीन वाज खत्म होने के बाद अपने मुर्शिद से बोले कि हजरत आज की वाज मजलिस कुछ अजीब कैफियत थी, कैफियत मुझ पर भी तारी हो गई और सामईन पे भी तारी हो गई। और हजरत ख्वाजा सरकार अपने चौबगले का बंद हिला रहे थे और सारी मजलिस पुरकैफ हो रही थी। ख्वाजा सरकार उनके मुर्शिद ने कहा, मिर्जा बेग साहब ने कहा, अरे ये सब ख्वाजा मियां हजरत का तसरुफ है,
उनकी आमद थी, उन्होंने अपना तस्तर दिया जो आज बनबाज में इतनी कैफियत है। सुभान अल्लाह, दक्कन सरजमीन, सबसे बड़ी करामत तो यह है कि मेरे सरकार का लकब नासिर सुन्ना भी है, कामिल बिदा भी है, जो सुन्नतों की पाबंदी, फराइज की पाबंदी से और शरीयत की पाबंदी, वो सबसे बड़ी है। मेरे सरकार वो पहले हैं, उर्दू में सबसे पहली किताब लिखी गई है ज़ाद आखिरत, हम्बली फ़िका पर लिखने वाले मेरे सरकार ख्वाजा सरकार सबसे पहले हैं बर सग़ीर में जिन्होंने फ़िक़्हे हम्बली पर एक मुकम्मल किताब लिखी है। अल्लाह ताला उनके करम से, उनके अनवार से हमको हमेशा मुस्तफ़ीद होने का शर्फ़ हासिल करे। रब तबारक व तआला से दुआ है कि ख्वाजा सरकार का करम हम पर रहे, हम उनके फ्यूज़ से माला माल करें। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام وتهيئ لي يا الهي كل صعب بحرمه سيد الاولاد السيد وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين والحمد لله